तहसील लालगंज के अंतर्गत ग्राम सभा बहाई कोतवाली में लगभग 15 दिनों से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत वहां के उपभोक्ताओं ने विद्युत अधिकारी को सूचना दी। उसके बावजूद यहां पर कोई आला अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। गर्मी में बिजली न आने से ग्रामीण लोग बहुत ही परेशान हैं। यहां तक कि उपभोक्ताओं ने रजिस्टर डायल नंबर लखनऊ को भी फोन करके शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और न ही ट्रांसफार्मर बदला गया है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश फैला हुआ है। खबर इंडिया के लिए रायबरेली से राजेश मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इकरार हुसैन है। जो ये ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, ये कब से खराब हुआ है? काफी अर्जेंट खराब है और खराब चल रहा है, और इससे बहुत ज्यादा ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी है बिजली के लिए, और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है और बिजली न रहने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी है, और बहुत परेशानी का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। और काफी बार कंप्लेन भी की गई, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, और कंप्लेन को कोई सुनने वाला ना, ये ट्रांसफार्मर बन रहा है और न समस्या हल हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा रोष भी है और ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा ये सोच करके इतने ज़्यादा प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी, इतना कहने के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है, और बिजली बहुत बड़ी समस्या है इस ट्रांसफार्मर को। इसमें कितने कनेक्शन होंगे लोगों के? इसमें काफ़ी कनेक्शन है गाँव में, अब कैलकुलेटर तो पूरा नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कनेक्शन आधे गाँव के हैं, और आप समझ सकते हैं कि काफ़ी यहाँ आबादी वाला गांव है, और आबादी वाला गांव होने के साथ साथ आधे गांव के कनेक्शन इससे जुड़े हुए हैं, जो इस ट्रांसफार्मर से बिजली जाती है। और ये जानते हुए भी बिजली जो पावर कॉरपोरेशन के लोग हैं, वे भी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर से कितने लोगों को जाती है बिजली गाँव के, और फिर भी अनदेखी कर रहे हैं इसको, ना तो ठीक करा रहे हैं और ना बिजली वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं।